सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए कलाकारों को जहां कई वर्षों का समय लग जाता है, वहीं मिथुन चक्रवर्ती उन चंद अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए यह पुरस्कार हासिल हुआ था। वर्ष 1976 में आई फिल्म मृग्या बतौर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सिने करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने ऐसे संथाली युवक मृग्या की भूमिका निभाई जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अपनी पत्नी के यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। फिल्म में उन्हें दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोलह जून 1947 को कोलकाता शहर में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मृग्या के बाद मिथुन ने दो अनजाने, फूल खिले, गुलशन गुलशन जैसी कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका निभाई, लेकिन बात नहीं बनी। वर्ष 1979 में रिलीज रविकांत नगाइच की फिल्म सुरक्षा मिथुन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत का सितारा वर्ष 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से चमका। डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती की छवि एक डांसिंग स्टार के रूप में बन गई, लेकिन बहुत से लोगों के कमेंट सुनकर हमने आज ये वीडियो बनाई है चक्रवर्ती के कास्ट के बारे में कि चक्रवर्ती कौन से कास्ट में आते हैं। चक्रवर्ती भारतीय उपद्वीप के नाम उपमान है जिसका अर्थ है देश का शासक या सम्राट। यह संस्कृत के शब्द क्रा का पहिया और वार्ड जिसके रथ के पहिए बिना किसी बाधा के चलते हैं। भारत और बांग्लादेश में आमतौर पर उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच चक्रवर्ती पाए जाते हैं, मतलब चक्रवर्ती को बांग्लादेश में आमतौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा जाता है। यह तमाम चक्रवर्ती और सहित विभिन्न तरीकों से लिखा जाता है। आपको मालूम पड़ गया होगा कि चक्रवर्ती कौन से कास्ट में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।